हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से तीन इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि दिसंबर के अंत से पहले ये तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें पहला है पृथ्वी 2 का यूजर ट्रायल। ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिसको आज टेस्ट किया जाना है। ये मिसाइल करीबन 4600 किलोग्राम की है, जो कि करीबन 250 से 350 किलोमीटर की रेंज देती है और 10 मीटर सी ईपी इसकी एक्यूरेसी है। इसमें लिक्विड फ्यूल को यूज़ किया जाता है और ये इंडिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वॉरहेड की बात करें तो इसमें हाई एक्सप्लोजिव, क्लस्टर म्यूनेशंस, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक केमिकल वेपन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को लगाया जा सकता है। बाकी अगले टेस्ट की बात करें तो ये 18 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा। ये अग्नि 4 मिसाइल का होने वाला है। अग्नि 4 मिसाइल, जैसा कि हम जानते हैं, अग्नि सीरीज की काफ़ी कैपेबल मिसाइल है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है और 3500 से 4000 किलोमीटर तक की रेंज देती है। बाकी जो तीसरा टेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जो कि डेवलपमेंटल ट्रायल है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM का, जिसको अगले हफ्ते कंडक्ट किया जाना है और जो एग्जैक्ट डेट है वो 22 दिसंबर है। तो जो MRSAM है वो ड्यूअल पल्स सॉलिड प्रोपल्शन बेस्ड मिसाइल है, जिसको DRDO ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। ये एक्चुअली बराक 8 का ही फर्दर डेवलपमेंट है। अभी की बात करें तो इसकी जो इंगेजिंग रेंज है मैक्सिमम वो 70 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, पर DRDO में इंडिजिनस मॉडिफिकेशन करने के बाद इसकी रेंज को 150 किलोमीटर तक करने वाले हैं। तो ये मिसाइल मैक 2 की मैक्सिमम स्पीड से फ्लाई करती है और काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल है, जिसको काफ़ी इफेक्टिव बना देते हैं एरियल टारगेट के अगेंस्ट में, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो या रॉकेट हो। बाकी पृथ्वी 2 की बात करें तो ये तीसरा नाइट ट्रायल होगा पृथ्वी 2 का। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो कभी भी स्मॉल स्केल वॉर होती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेपन होगा ये इंडिया की साइड से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी रिपोर्ट्स पे। तो इंडियन नेवी, जैसा कि हमको पता है, बीस्ट मोड में है। उन्होंने मल्टीपल टेस्ट किए हैं, अब वो मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ भी जा रहे हैं फ्यूचर में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। उसी के अंतर्गत उन्होंने एक प्रपोजल रखा है 38 एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने का, जो कि करीबन 450 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो ये जो मिसाइल्स हैं वो एक्चुअली फिट करी जाएंगी अंडर कंस्ट्रक्शन जो विशाखापट्टनम क्लास के वॉरशिप्स हैं उन पे। तो ये करीबन 1800 करोड़ का प्रपोजल है 38 एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस को एक्वायर करने के लिए, जिसका जो अप्रूवल है वो बहुत जल्द ही मिल जाएगा डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जैसा कि इसी साल हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल को INS चेन्नई से टेस्ट किया गया था, जहां पर इसने 400 किलोमीटर के लगभग टारगेट को स्ट्राइक किया था हाई सीज में। बाकी अपडेट को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और पोस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि F-18 का स्की जंप ट्रायल किया गया था इंडियन नेवी के लिए और इसकी जो लीजिंग है वो नेगोशिएशन में है, जैसा कि न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। तो उसके ट्रायल की जो फ़ोटो है वो रिलीज़ करी गई है, जो कि आप अपने सामने देख सकते हैं। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।